हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे करेंसी में ट्रेड करने के लिए JPY INR के होने वाले इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए चलते हैं एंजल वन की एप्लीकेशन में। हम एंजल वन की एप्लीकेशन के होम पेज में आ चुके हैं। इंस्टा ट्रेड FNO के ऑप्शन के लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा, देन यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहाँ पे ट्रेडिंग करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि हम सेम विंडो पे चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं, ऑर्डर लगा सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैंडल स्टिक को यूज़ में ले सकते हैं, और तो और अपने फेवरेट इंडिकेटर को भी लगा सकते हैं। यहाँ से आप टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी पोजीशन का प्रॉफिट एंड लॉस भी आप सेम विंडो पे देख सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, किसी भी स्टॉक या शेयर का रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, JPY INR 13 अप्रैल 2023 की एक्सपायरी का चार्ट लगा हुआ है। JPY INR ने लास्ट ट्रेड लिया 61.70 पे। JPY INR के इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को चेकआउट करने के लिए हमें यहाँ से बैक जाना होगा, यानी सर्च के आइकॉन से हमें JPY INR को सर्च कर लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, JPY INR ऑलरेडी सर्च है, तो उसमें हमें टैप करना होगा, यानी स्टॉक डिटेल में हमें क्लिक करना होगा, इस टेक्निकल वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा। टेक्निकल वाले ऑप्शन में जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने JPY INR से रिलेटेड कुछ पैरामीटर आपको शो करें। JPY INR के रेजिस्टेंस सपोर्ट को चेकआउट करने के लिए आपको इस रेजिस्टेंस सपोर्ट के कॉलम पर क्लिक करना होगा। देन आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होंगे, जिसमें हमारा पहला सपोर्ट है 62.05 का, देन हमारा दूसरा सपोर्ट है 61.56 का, देन हमारा तीसरा सपोर्ट है 60.70 का। साथ ही साथ हमारा पहला रेजिस्टेंस 62.91 का था, देन हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है 63.28 का, देन हमारा तीसरा रेजिस्टेंस 64.14 का। ये सारे ही लेवल हमें आने वाले समय में एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पर हम फॉलो कर सकते हैं। अब हमको यहाँ से बैक जाना होगा, देन इस स्टार्टेड FNO के ऑप्शन में क्लिक करना होगा। JPY INR के कंप्लीट एनालिसिस के बाद अगर आपको लग रहा है कि ट्रेंड बुलिश जा सकता है, देन आप बाय करें। इन केस अगर आपको लग रहा है कि ट्रेंड बेयरिश रह सकता है, देन आप सेल करें। बाय करने के लिए मैं बाय के बटन पे क्लिक करूंगा, देन यहाँ आपको एंटर लॉट टाइप करना होगा। जितना भी लॉट आपको लेना वो आप टाइप करेंगे। मुझे दो लॉट लेना है तो मैं दो टाइप करूंगा। उसके नीचे आपको लिमिट ऑर्डर एंड मार्केट ऑर्डर का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। जिस भी ऑर्डर में आपको लेना है, उसमें आप टॉगल को रख के आगे प्रोसेस करेंगे। मुझे लिमिट में लेना, मैं लिमिट में रख के आगे प्रोसेस करूंगा। नीचे आपको बाय का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। बाय करने के लिए बाय के बटन पर क्लिक करूंगा, देन यहाँ कन्फर्म बाय, देन यहाँ कन्फर्म बाय। कन्फर्म में आप जैसे क्लिक करेंगे, आपका ऑर्डर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अभी तक आपने एंजल वन की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, तो अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को एनहेंस करें।